भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में मतदाता सूचियों को आधार से लिंक करने की तैयारियां प्रारंभ की गई हैं। बूथ स्तर पर बीएलओ के द्वारा फॉर्म 6 भरकर उनके सत्यापन के बाद मतदाता के पहचान पत्र को आधार से लिंक कर दिया जाएगा। मुरादाबाद के सदर तहसील कार्यालय पर मौजूद रहे उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में मतदाता सूचियों को आधार से लिंक करने का कार्य हो रहा है। 1 अगस्त से कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और इस दौरान उन्होंने अपील की है कि जो हमारी टीम में घर घर जाएंगी, बूथ पर भी हमारे बीएलओ बैठेंगे, उनके सहयोग के लिए जनता आगे आए और अपने पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने का काम करे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार 1 अगस्त से स्वैच्छिक रूप में मतदाता सूची में जो लोग दर्ज हैं, जिन मतदाताओं का नाम दर्ज है, उनको आधार से लिंक करने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका शुभारंभ 1 अगस्त से किया जाएगा। यह पूर्ण तरीके से ऐच्छिक है, मतलब वॉलेंटरली है, स्वैच्छिक है, और इसके लिए 2 विशेष तिथियां अभी फिलहाल निर्धारित की गई हैं, 7 अगस्त और 21 अगस्त, जिसके लिए विशेष कैंप लगेंगे जहाँ पे बीएलओज बैठेंगे, मतदाता स्वयं भी आकर के जमा कर सकते हैं। सारे पोर्टल के माध्यम से भी इसमें व्यवस्था दी गई है, गणना ऐप, एनबीएफसी पोर्टल, ईआरओ नेट और वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर मतदाता स्वयं भी चाहे तो अपना ऑनलाइन फॉर्म 6B भरते हुए अपना आधार सत्यापन कर सकता है, और यदि उसको कोई कठिनाई आ रही तो बीएलओ के माध्यम से भी ये लिंक कर रहा है, किया जा रहा है। अपील क्या करना चाहेंगे सर? सभी मतदाताओं से अपील है कि देखिए, इसमें चूंकि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम है, कई बार ऐसा होता है जाने अनजाने में हमारा नाम 1 से अधिक जगहों पर दर्ज हो जाता है। इस वजह से इसके 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो एक वोटर लिस्ट में 1 से अधिक जगह पे नाम होता है, जो कानूनन जुर्म होता है, क्योंकि इसमें 2 महीने की ₹2000 जुर्माना और 1 महीने का कारावास की सजा होती है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि बार बार जो है जिला जनपद स्तर से और माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट में परसेंटेज आगे नहीं बढ़ पाता। उसका एक रीजन ये भी होता है कि एक ही व्यक्ति 1 से अधिक जगहों पर अपना नाम इनरोल किया रहता है। आधार लिंकिंग से फायदा यह होगा कि उसका नाम एक ही जगह रह पाएगा, वोटर लिस्ट शुद्ध होगी, और जितनी अच्छी वोटर लिस्ट होगी, शुद्ध पारदर्शी होगी, निर्वाचन की शुचिता उतनी अच्छी और बनेगी। गौरतलब है कि ऐसा करने पर कई तरह के फायदे होंगे और एक मतदाता का नाम एक ही सूची में चस्पा रह जाएगा।